गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग प्लांट किंगडम के सबसे सिंपल ग्रुप थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में। अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई के बाद उसके रिप्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जो कि हेटरोट्रॉफ्स हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपलेस्ट ग्रुप है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्लांट बॉडी थैलस के फॉर्म में होती है, रूट्स, लीव्स और स्टेम्स एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए ये सिंपलेस्ट ग्रुप में आते हैं। और रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट, चाहे वो सिंपल हो या एडवांस किस्म का प्लांट हो, अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को की संख्या बढ़ाता है, चाहे वो कोई भी मेथड हो। जस्ट परपिचुएशन ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो फंजाई के केस में, जैसे कि आपने एल्गी में देखा था, उसी तरह से फंजाई में भी रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स हैं, अपने को अपने जैसी स्पीसीज या अपने जैसे इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनका नंबर बढ़ाने के लिए फंजाई में भी कई तरह के मेथड्स हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरह का रिप्रोडक्शन इसमें कॉमन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो है वो फंजाई के केस में सबसे ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशंस जब भी होती हैं तो फंजाई हमेशा रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मेथड से। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेचर ने भी इस तरह का बनाया हुआ है कि फेवरेबल कंडीशंस में जो स्पोर्स बनते हैं वो लार्ज नंबर में बनते हैं, उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, उस तरह से ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनने की वजह से अगर उसमें से कुछ पेरिश भी हो जाते हैं तो भी फंजाई का की संख्या बराबर बढ़ती रहती है। उसके अलावा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें ना तो कोई मियोसिस इन्वॉल्व है, ना कोई कैरियोगेमी इन्वॉल्व है, ना उसमें कोई प्लाज्मोगेमी इन्वॉल्व है। प्लांट बॉडी किसी तरह से मॉडिफाई होके अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना लेती है जो पेरेंट प्लांट से डिटैच होके फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो इस मेथड को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई के केस में बहुत तरह का होता है, जो कि नेचर में कभी भी हो सकता है, उसका कोई टाइम नहीं है। और कई फंजाई तो ऐसे हैं जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स दिखाई पड़ते हैं। सबसे कॉमन मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उन फंजाई में होता है जिसमें कि प्लांट बॉडी फिलामेंट के फॉर्म में होती है या थैलस के फॉर्म में होती है। फिलामेंटस प्लांट बॉडी में अगर वो फिलामेंट या थैलस किसी वजह से कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हर पार्ट डेवलप होके एक नया फिलामेंट या नया थैलस बना देता है, तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी तरह से अगर ये डेलिकेट इसके थैलाई हैं वो किसी तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आके टूट जाते हैं, तो हर पार्ट जो टूटा हुआ है वो फ्रेगमेंट उसका फिर से एक नया प्लांट बना देता है, फिर से नया एक थैलस बना देता है, तो ये परपिचुएशन में मदद करता है ये मेथड भी। और इसके अलावा ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी, या जैसे तेज़ हवा चलने की वजह से अगर फिलामेंट ब्रेक हो जाता है कई सारे पार्ट्स में तो नया फिलामेंट इससे बन जाता है। इसके अलावा, फ्रेगमेंटेशन के अलावा, कुछ पर्टिकुलर फंजाई में और भी मेथड्स हैं यूजुअली जो यूनिसेलुलर फंजाई हैं, जैसे यीस्ट, सैकेरोमाइसिस। यीस्ट फंजाई के बारे में आपको मालूम है और आगे भी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यीस्ट हमेशा एक सेल के फॉर्म में है, ये थैलस इसमें प्लांट बॉडी जो नहीं होती, फिलामेंट के फॉर्म में नहीं होती बल्कि एक सेल के फॉर्म में होती है। ये जो सेल है ये डिवाइड करती है
इलोंगेट हो जाती है और डिवाइड करती है, जिस मेथड को हम कहते हैं फिशन का मेथड। फिशन के मेथड में एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है इलोंगेट करके, वो उसी तरह से इलोंगेट करके न्यूक्लियस भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और बीच में एक सेप्टम डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है। इनको मैं अभी आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगी। इसके अलावा तीसरा मेथड है इन्हीं यीस्ट सेल्स में बडिंग की प्रोसेस। बडिंग की प्रोसेस भी यूजुअली जो यूनिसेलुलर फंजाई हैं जैसे यीस्ट है उसी में होती है। प्लांट का जो सेल मैच्योर हो जाती है, फंगस की सेल मैच्योर हो जाती है, वो एक बट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और वो बट लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनल प्लांट से डिटैच होके, ये अगर सेल है इसमें एक बट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और बीच का इसमें जो वॉल है वो अलग हो जाती है। तो इसका जो न्यूक्लियस है ये भी दो में धीरे धीरे डिवाइड होगा और ये जो इसका दूसरा न्यूक्लियस है वो इसके अंदर चला जाता है और अल्टीमेटली ये जो बड है ये बड इससे अलग हो जाती है और ये एक नया सेल फिर से बना देती है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो बड बनी है ये एक बड डिटैच होने के बाद अपने ही से दूसरी सेल बना देती है, दूसरी बड बना देती है और ये जब मैच्योर हो जाती है ये तीसरी बड बना देती है। इस तरह से एक स्यूडो माइसीलियम बन जाता है इसमें, जबकि ओरिजिनल फंगस एक सेल के फॉर्म में है। तो ये बडिंग की प्रोसेस से एक माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है जिसको हम स्यूडो माइसीलियम कहते हैं। और ये एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें एक सेल से कई सारे इंडिविजुअल्स बन गए। जब ये एक दूसरे से डिटैच होंगे ये साइज में ग्रो करके फिर से मैच्योर सेल्स बना देंगे। तो नंबर इंक्रीज होने की इस प्रोसेस को हम बडिंग की प्रोसेस कहते हैं। ये जनरली यीस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। यूनिसेलुलर फंजाई में ये प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा एक मेथड और है रिप्रोडक्शन का जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोस्पोर्स। आर्थ्रोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो कि फिलामेंटस या थैलस लाइक जो प्लांट बॉडी है उसमें उन फंजाई में मिलते हैं और होता क्या है कि इससे एरियल हाइफी निकलते हैं और ये एरियल हाइफी किसी किसी स्टेज में छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स एक दूसरे से अलग होके इस तरह से अलग होके छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो गए, इनको हम आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। और आर्थ्रोस्पोर्स साइज में बड़े होके फिर से एक नया फिलामेंट बना देते हैं, नया थैलस बना देते हैं। आर्थ्रोस्पोर्स को किसी किसी केस में ओइडिया भी कहते हैं। इनको आर्थ्रोस्पोर्स या ओइडिया आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम देखेंगे। तो ओइडिया और आर्थ्रोस्पोर्स ऑलमोस्ट एक ही तरह के स्पोर्स हैं जो कि फिलामेंटस या थैलस लाइक प्लांट बॉडी में कभी कभी बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंजाई के केस में जब फिलामेंट लग्जूरियंटली ग्रो कर रहा है और वेदर कंडीशंस अचानक अनफेवरेबल हो जाती हैं तो कुछ फंजाई में इंटरकैलरी या टर्मिनल से मतलब है टिप में, थैलस की टिप में, या कभी कभी इंटरकैलरी इस तरह से सेप्टा बन जाते हैं जो कि थिक वॉल्ड हो जाते हैं। इस तरह के थिक वॉल्ड सेगमेंट्स बन जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड इकट्ठा हो जाता है एंड न्यूक्लियाई। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ये इंटरकैलरी हैं, दीज आर द टर्मिनल। तो इनको हम कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स और आर्थ्रोस्पोर्स में यही फर्क है कि आर्थ्रोस्पोर्स दे आर थिन वॉल्ड whereas क्लेमाइडोस्पोर्स दे मे बी टर्मिनल और इंटरकैलरी और वो थिक वॉल्ड होते हैं। दे आर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी जिंदा रहते हैं। तो ये एक तरह का पेरिनेशन का भी मेथड है। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं
फंगस की ग्रोथ के लिए ये पूरा थैलस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर भी ये क्लाइमेटोस्पोर्स सर्वाइव करते रहते हैं, ये सॉइल में गिर जाते हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं और तब तक पड़े रहते हैं, बहुत रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल बहुत थिक है, तो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से ये जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी तब तक ये सॉइल में पड़े रहेंगे और ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ईच क्लाइमेटोस्पोर जर्मिनेट्स एंड गिव्स राइज टू न्यू थैलस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंगस। इनका लिबरेट होने का कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि ये किस तरीके से लिबरेट होंगे, ये तभी सॉइल में आते हैं जबकि पूरा वेजिटेटिव माइसीलियम खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये सॉइल में गिर गए और ये तब तक उसी तरह से पड़े रहेंगे जब तक इनको जर्मिनेशन का उचित एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। तो ये इतने सारे मेथड्स जो हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हैं जिसमें कोई भी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व नहीं है या कोई मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है, ये नेचर में कभी भी हो सकता है जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस इनको सूटेबल मिलती हैं तब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और हेल्प करता है उसी पर्टिकुलर फंगस की के इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ाने के लिए। दूसरा मेथड इसमें फंजाई के केस में इम्पॉर्टेंट है जो कि जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है और बहुत तरीके से होता है फंजाई के केस में और ज़्यादातर स्पीसीज में, ज़्यादातर फंजाई में द सोल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होंगी फंजाई प्रेफर करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिसमें कि कोई कैरियोगेमी इन्वॉल्व नहीं है। कैरियोगेमी से मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, प्लाज्मोगेमी से मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और मियोसिस है जब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है आफ्टर प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, डिप्लॉइड को फिर हैप्लॉइड करने के लिए जो डिवीजन होता है उसको हम मियोसिस कहते हैं। इन तीन प्रोसेस को मिलके अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी होती है, पर अभी हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मेथड्स फंजाई के केस में दिखाई पड़ते हैं और एक ग्रुप तो ऐसा है फंजाई का, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि एक ग्रुप फंजाई का ऐसा है जिसमें द सोल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय एसेक्सुअल मेथड्स, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप फंजाई इम्परफेक्टा ही हम उसको कहते हैं, उसमें अकेला मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये स्पोर्स जो होते हैं ये कई तरह के स्पोर्स हैं। नंबर वन जू स्पोर्स जो कि मोटाइल स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा नॉन मोटाइल स्पोर्स जो हैं उनको हम कहते हैं कोनिडिया, या इसके अलावा स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो ये इम्पोर्टेंट बात है याद करने की कि जू स्पोर्स ऐसे स्पोर्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनमें कि फ्लैजेला होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, वेयर एज कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स आर द स्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल। ज़्यादातर फंजाई में कोनिडिया से रिप्रोडक्शन होता है और कोनिडिया, कई तरह के कोनिडिया आपको फंजाई के पूरे इंडिविजुअल्स में हजार तरह के कोनिडिया देखने को मिलते हैं, जबकि जू स्पोर्स सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स में आपको जू स्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जू स्पोर्स क्या है, दे आर द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जू स्पोरेंजिया और जो जू स्पोर्स होते हैं ये फ्लैजेलेटेड होते हैं, या तो इनके फ्लैजेला पोस्टीरियर होंगे जैसे एक ग्रुप है काइट्रिडियोमाइसिटीज उसके केस में पोस्टीरियरली फ्लैजेलेटेड जू स्पोर्स होंगे, किसी किसी केस में दो फ्लैजेला होते हैं
इस तरह के दो फ्लैजेला होते हैं और इनमें भी बड़ा डिफरेंस है. दो फ्लैजेला अगर हैं किसी फंगस में, ज़ूस्पोर्स में, तो एक फंगस, एक फ्लैजेलम उसका विप्लैश टाइप है. विप्लैश का मतलब है चाबुक की तरह से, कोई उसमें हेयर नहीं है. और दूसरा वाला जो फ्लैजेलम है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन है, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि ज़ूस्पोर्स अगर प्रेजेंट हैं तो कौन सा ग्रुप होगा फंजाई का, क्योंकि कुछ लिमिटेड ग्रुप्स में ही लोअर फंजाई में हमें ज़ूस्पोर्स देखने को मिलते हैं. और उन ज़ूस्पोर्स में भी अगर पोस्टीरियर फ्लैजेलम सिंगल है और ये विप्लैश टाइप का है, विप्लैश का मतलब है घोड़े की चाबुक्स को हम विप्लैश कहते हैं, विप कहते हैं. विप्लैश का मतलब है प्लेन स्मूथ सरफेस वाला अगर फ्लैजेलम है, तो ये क्राइटेरियोमाइसिटीज का ही मेंबर कोई होगा. और या बाईफ्लैजिलेट है, एक विप्लैश एक टेंसल है, तो ये उससे एडवांस ग्रुप जिसको कि हम ऊमाइसिटीज, हम आगे क्लासिफिकेशन में इसको और देखेंगे, इस तरह के ज़ूस्पोर्स होते हैं. तो ये याद रखने की बात है कि ज़ूस्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा लोअर फंजाई में ही आपको देखने को मिलेंगे. लोअर फंजाई में भी, कुछ लोअर फंजाई में, नॉट ऑल. और एक इंटरेस्टिंग फीचर फंजाई का ये भी है कि एज यू गो अहेड, आप लोअर फंजाई से हायर फंजाई, जब हम लोअर फंजाई की बात करते हैं तो इससे क्या मतलब है, हायर फंजाई से क्या मतलब है. लोअर फंजाई से मतलब यह है कि जो फंजाई बहुत सिंपल स्ट्रक्चर शो करती हैं, जिसमें कि प्लांट बॉडी सीनोसिटिक है, एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि प्लांट बॉडी सीनोसिटिक होती है लोअर फंजाई में. तो ऐसे फंजाई जिनकी, जिनमें प्लांट बॉडी सीनोसिटिक है, एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, तो उन लोअर फंजाई में जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो ज़ूस्पोर से अक्सर होता है. लेकिन कुनीडिया भी और स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं. स्पोरेंजियोस्पोर्स हम पहले इसको लेते हैं क्योंकि स्पोरेंजियोस्पोर्स दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम. एक ये स्पोरेंजियम है लोअर फंजाई में ही. म्यूकर का केस अगर आप राइजोपस और म्यूकर का केस लेंगे तो ये एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, क्योंकि कभी भी सेप्टेट माइसीलियम लोअर फंजाई में नहीं होते. म्यूकर भी एक लोअर फंगस है जिसमें कि एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, लेकिन जिस समय सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, एसेक्सुअल या सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, तो ये इरेक्ट हाइफा जो है इसके बेस में एक सेप्टम बन जाता है. तो कहने का मतलब यह है कि लोअर फंजाई में जिनमें सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, सेप्टम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. जहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके बेस में सेप्टम बनता है, बाकी कभी भी माइसीलियम सेप्टेट नहीं होता है. तो ये जब एरियल पार्ट बन गया, एरियल इसका पार्ट जो टिप है ये सोलन हो जाती है, इसमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. और जितना इसमें बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेप्टम जितना न्यूक्लियाई और प्रोटोप्लाज्म है ये सब यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, इसके अंदर माइग्रेट हो जाते हैं. और होता क्या है इसके बाद जो चेंजेस होते हैं ये उसमें न्यूक्लियर, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गए, ये मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये इतने माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं फंजाई, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल माइन्यूटली अगर आप देखेंगे तो बड़ा फैसिनेटिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक फंगस इतना एक बलून लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है और उस बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, टाइनी स्पोर्स बन जाते हैं जो कि नॉन मोटाइल हैं. तो इन छोटे छोटे स्पोर्स को जो इसके अंदर डेवलप हो गए हैं, नॉन मोटाइल हैं, इनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं. इनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए स्पोरेंजियम, कवर्ड होते हैं शुरू में, और जब ये मैच्योर होते हैं, साइज में बड़े होने लगते हैं, दे एक्सर्ट ए प्रेशर, और प्रेशर होने से इसकी वॉल बस्ट हो जाती है एंड दीज
स्पोरेंजियोस्पोर्स दे कम आउट, ये बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद इनमें जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन से फिर ये सिनोसिटिक माइसिलियम बना लेते हैं। तो ये जो ग्रुप है जिसमें कि स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जाइगोमाइसिटीज है। जाइगोमाइसिटीज एक ऐसा ग्रुप है जो जिसमें कि म्यूकर और राइजोपस कॉमन फंजाई आते हैं, जो बहुत इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप होते हैं इनसाइड ए स्पोरेंजियम। इसको हम पूरे सोलन स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इनको मैं अभी सब एक बार आपको क्विकली डायग्राम से दिखाऊंगी। इसके अलावा कुनीडिया फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द फंजाई। जितना जितना आप आगे की तरफ जाएंगे, हायर फंजाई की तरफ, आपको ये लगेगा कि देयर इज ए ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोअर फंजाई को देखते हैं, उनमें हमें वेल डेवलप्ड मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स भी दिखाई पड़ेंगे। वेल डेवलप्ड उसके अंदर, उसमें आपको जू स्पोर्स दिखाई पड़ेंगे। पर जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं, जो जो कि कॉम्प्लिकेटेड फंजाई हैं, उन फंजाई में प्लांट बॉडी ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड होती है, लाइफ साइकिल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स उसमें वेल डेवलप नहीं होते। तो ये कॉमन स्टेटमेंट है कि जैसे जैसे हम फंजाई को में आगे बढ़ते हैं, हायर फंजाई की तरफ जाते हैं, तो देयर इज ए ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्स ऑर्गन्स उतने सिंपल होते चले जाते हैं। तो ये तो हमने मेथड्स देखे जू स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरे नॉन मोटाइल स्पोर्स जो दो तरह के हैं, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। कोनिडिया कई तरह के हैं, कोनिडिया दे आर वेरी थिन वॉल्ड। ये कोनिडिया माइसिलियम में इरेक्ट हाइफी अगर बन गई, इसके टिप में इन सिंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं, या चेन में भी हो सकते हैं, या कई तरह के और फॉर्म में भी ये आपको दिखाई पड़ते हैं। इनके हर इंडिविजुअल फंगस में अलग अलग तरह के कोनिडिया मिलते हैं, लेकिन कोनिडिया हमेशा राउंड होंगे ज़रूरी नहीं है। कोनिडिया की वॉल थिक होती है, थिन होती है, और ये किसी किसी केस में बड़ी कलरफुल भी होती है। कभी आपने ये ध्यान दिया होगा, बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि ब्रेड में या आपके शूज़ में अगर गीले हैं, तो उसमें फंगस की एक कॉलोनी आपको दिखाई पड़ती है। वो कभी ब्लू कलर की होगी, कभी ग्रीन कलर की होगी, कभी आपने दही ऐसे खुला छोड़ दिया, उसके ऊपर आपको 3-4 कॉलोनीज दिखाई पड़ती हैं, दही खराब हो जाता है आपका। उसके ऊपर आपको येलो, ग्रीन, ब्लू फंगस लगा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये येलो, ग्रीन, ब्लू कलर कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द कोनिडिया। वो जो कॉलोनी बन गई है, वो इतना फास्ट उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये कोनिडिया डिफरेंट कलर के होते हैं, ब्लैक, येलो, ब्लू, पिंक, कई तरह के होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जिस कलर के कोनिडिया होते हैं, उसी तरह से फंगस की ग्रोथ आपको उसी कलर की दिखाई पड़ती है। और ये जो कोनिडिया हैं, ये राउंड के अलावा आपको एक बहुत थिन सिकल शेप्ड भी दिखाई पड़ेंगे। कभी कभी आपको ये इस तरह के कोनिडिया भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें ट्रांसवर्स और वर्टिकल सेप्टा हैं। आप अल्टरनेरिया बाद में पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये इनके नाम भी अलग अलग इनको दिए गए हैं। इस तरह के ट्रांसवर्स और वर्टिकल अगर कोनिडिया होते हैं, तो इनको हम डिक्टियोस्पोर्स कहते हैं। अब ये बहुत एडवांस बात है, जब आप इंडिविजुअल फंजाई का जिक्र हम करेंगे, उस टाइम हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फंगस में डिक्टियोस्पोर है कि राउंड शेप का कोनिडियम है, या इस तरह का एक थिन लॉन्ग कोनिडियम है, या कई तरह के इनके शेप्स होते हैं, इस तरह का भी शेप होते हैं। तो दे शो ए नंबर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट कलर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात याद करने की यह है कि दिस इज द वेरी कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द फंजाई बाय प्रोड्यूसिंग कोनिडिया। एंड इन वन ग्रुप, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है, या फंजाई इम्परफेक्टाई जिसमें जिनको हम कहते हैं, उसमें द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज
बाई कुनिडिया. कुनिडिया कभी कभी ग्रुप्स में भी डेवलप हो जाते हैं. ये फंगस के ऊपर एक कुनिडियोफोर डेवलप होगा, इसके ऊपर इस तरह से एक बंच के फॉर्म में भी कुनिडिया डेवलप होते हैं. तो ये इसकी वजह से हम फंजाई को आइडेंटिफाई भी करते हैं. हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कोई फंगस हमें आपको बाहर मिल गया, तो उस फंगस को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे और आप आइडेंटिफिकेशन के लिए बुक्स को कंसल्ट करेंगे, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है कि अगर आपको इस तरह के कुनिडिया दिखाई पड़ रहे हैं तो ये कौन सा फंगस हो सकता है, इसमें माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है कि एसेप्टेट है. तो दीज आर द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई अ न्यू फंगस. उसको हम कैसे हम उसको उस पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये कौन सा हमको फंगस बाहर से मिला है. तो क्या ये अगर बंच में इसमें कुनिडिया लगे हुए हैं तो ये क्या ये पर्टिकुलर फंगस हो सकता है. तो इनका क्लासिफिकेशन या इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इनका अरेंजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम बड़े कॉमन फंजाई हैं, उन कॉमन फंजाई में आप अगर एस्परजिलस को देखेंगे तो आपको कुनिडिया हमेशा इस तरह से स्टेरिक मेटा के ऊपर लगे दिखाई पड़ते हैं. एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपको बंच में कुनिडिया इस तरह से चेन में लगे हुए दिखाई देते हैं. और अगर पेनिसिलियम है तो पेनिसिलियम के केस में आपको इस तरह का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा. इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर आपको फिर से दूसरे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, फिर स्टेरिक मेटा दिखाई पड़ता है और इसके ऊपर चेन में आपको कुनिडिया दिखाई पड़ता है. ऐसे हजार कुनिडिया आपको लगे हुए दिखाई पड़ेंगे और ये इसको आप माइक्रोस्कोप में देख के आसानी से पता कर सकते हैं कि ये आपको फंगस जो मिला है ये पेनिसिलियम है. और पेनिसिलियम और एस्परजिलस में क्या डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर सोलन स्ट्रक्चर है, वेसिकल है, और इसके केस में सोलन स्ट्रक्चर नहीं है, कुनिडिया यहाँ पर भी चेन में लगे हुए हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुनिडिया को देख रहे हैं तो हम इन कुनिडिया के कलर से, इनके स्ट्रक्चर से, इनके अरेंजमेंट से हम किसी फंगस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जबकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं. फेवरेबल कंडीशन में फंगस हमेशा एसेक्सुअल तरीके से ही रिप्रोड्यूस करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेजॉरिटी फंजाई में. एक ग्रुप ऐसा है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक अननोन है, उन सारे फंजाई को जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होता है और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है उनका सेप्टेट एंड सेप्टेट होता है, इस तरह से सेप्टा होते हैं, उनको हमने ड्यूटेरोमाइकोटिना में रखा है और उनको हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, तीन प्रोसेस जब पूरी होती है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और कई फंजाई में डेफिनेट वेरी प्रोमिनेंट मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ते हैं. मेल स्ट्रक्चर को हम एंथ्रिडियम कहते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर को हम ऊगोनियम कहते हैं. तो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है जिससे कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होती है. कई जगह आप देखेंगे कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर टोटली एब्सेंट होते हैं. जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई नहीं पड़ते. तो उनमें फ्यूजन कैसे होता है, कैसे उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, ये जानने के लिए फंजाई में पाँच तरीके हैं, फाइव मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन इन फंजाई. जिसमें कि सबसे पहले मेथड है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन.
पहला सबसे सिंपल मेथड है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन. प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो मेथड है, इसमें क्या है कि दो गेमेट्स गेमिटेंजिया के अंदर गेमेट्स बनेंगे. ये जो गेमेट्स होते हैं ये मोटाइल गेमेट्स होते हैं और ये गेमेट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे. अगर ये गेमेट्स, जैसे हमने एल्गी में भी डिस्कस किया थी ये बात, कि अगर ये दोनों गेमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं बट ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है तो एक मेल की तरह से एक्ट करता है, एक फीमेल की तरह से एक्ट करता है, तो इसको हम कहेंगे आइसोगेमी. आइसोगेमस रिप्रोडक्शन. इसके अलावा अगर एक गेमीट साइज में बड़ा है, दूसरा छोटा है, छोटा वाला मेल की तरह से एक्ट कर रहा है, बड़ा वाला उससे कम एक्टिव है, तो ये साइज और शेप में डिफरेंट है. मेल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फीमेल. मेल इज मोर एक्टिव देन द फीमेल. तो मेल ही इसके पास आता है और अल्टीमेटली इनमें फ्यूजन हो जाता है और फ्यूजन होने से इसका न्यूक्लियस यहाँ चला जाएगा. तो ये इस तरह के कॉपुलेशन को हम प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन कहते हैं, जो कि लोअर फंजाई में सबसे ज़्यादा कॉमन है. जो छोटी बहुत सिंपल फंजाई हैं उनमें प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, चाहे वो आइसोगेमस हो या एनाइसोगेमस हो या ओगेमस हो. ओगेमस इन सब में सबसे ज़्यादा एडवांस है. प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा एडवांस जो टाइप का रिप्रोडक्शन है वो है ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन. ओगेमस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है वो नॉन मोटाइल होता है, उसमें कोई फ्लैजलम नहीं होता. मेल स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो कि जिसमें कि फ्लैजलम प्रेजेंट है. इट रीचेज नियर दिस फीमेल स्ट्रक्चर एंड अल्टीमेटली इनकी वॉल डिजॉल्व हो जाएगी, ये इसमें अटैच हो जाएगा और ये दो न्यूक्लियाई इसमें आ गए और ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फ्यूजन हो जाता है. प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी यहाँ हो जाती है. तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला मेथड है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, ये हमेशा लोअर फंजाई में मिलता है. इसके केस में जो दो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो या तो आइसोगेमी गेमस होंगे या एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन होगा, या उस सबसे एडवांस इसके केस में ओगेमस रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि ये नॉन मोटाइल फीमेल है और मोटाइल मेल है और इनके रिप्रोडक्शन से अल्टीमेट क्या होता है इन तीनों मेथड्स में एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं. और ये जाइगोट में मियोसिस रिडक्शन डिवीजन जब होगा, मियोसिस हो जाएगी, तभी इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे और फाइनली उन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के जर्मिनेशन, उन हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई हैं दे फॉर्म फोर सेल्स एंड दे गिव राइज टू द हाइफी. तो ये सबसे कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. अब दूसरा मेथड ये है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन. दूसरा मेथड रिप्रोडक्शन का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमिटेंजियल कॉपुलेशन. गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, ये एक मेथड है जिसमें कि जो कि जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स में, म्यूकर राइजोपस में सबसे ज़्यादा कॉमन है. दो हाइफी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं एंड अल्टीमेटली दे गिव राइज टू दिस लेटरल ब्रांचेस. ये एक हाइफा है, ये दूसरा हाइफा है और ये एसेप्टेड हाइफा है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है. तो ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, ये प्लस है, ये मेल की तरह से एक्ट करेगा, ये फीमेल की तरह से एक्ट करेगा एंड दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर. इस तरह से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं एंड फाइनली अ सेप्टम डेवलप्स बिटवीन दीज टू. एक दूसरे के बीच में सेप्टम डेवलप हो जाएगा. इस पार्ट को हम सस्पेंसर कहते हैं, दोनों के केस में सस्पेंसर कहेंगे. और ये गैमिटेंजियम होगा, ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड गैमिटेंजियम. तो इसको अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये मेल की तरह से एक्ट करेगा, ये फीमेल की तरह से एक्ट करेगा, एक मेल की तरह से करेगा, एक फीमेल की तरह से करेगा. इनको गैमिटेंजियम हम बोलते हैं दोनों केस में. इनकी वॉल बीच में डिसॉल्व हो जाती है, न्यूक्लियस इसका और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं. तो अगली स्टेज में हमको क्या दिखाई पड़ता है, हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसको हम
जिसमें कि डिप्लॉइड न्यूक्लियर, दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया और ये जो है थिक वॉल डेवलप कर लेता है, तो इसको हम जाइगोस्पोर कहने लगते हैं। तो ये मेथड जिसमें कि दो हाइफी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, वन एक्ट्स एज मेल, अदर एक्ट्स एज फीमेल, और फाइनली इनकी इसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होके एक फाइनल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। इसमें जाइगोट नहीं कहते, इसमें इसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। और जाइगोस्पोर धीरे धीरे बाद में ऑर्नामेंटल हो जाता है। ऑर्नामेंटेड का मतलब है इसकी वॉल स्मूथ नहीं रह के थिक वॉल हो जाती है, उसमें कुछ रिजेस एंड फरोज बन जाती है, ऑर्नामेंटेड वॉल हो जाती है। तो ये जाइगो, जब ये हाइफी इसके डिसइंटीग्रेट हो गए, ये जाइगोस्पोर बाहर आ गया, ये ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन दिस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आफ्टर मियोसिस इट विल गिव राइज टू न्यू स्ट्रक्चर्स। थर्ड मेथड है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट ये उन फंजाई में होता है जिसमें कि वेल डेवलप्ड मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स है। ये हाइफा है जिस समय रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हाइफा में ये मेल स्ट्रक्चर बन जाता है, सेप्टम डेवलप हो जाता है, इट हैज वन न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, और कभी कभी उसी हाइफा में एक फीमेल स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है जिसको हम ऊगोनियम कहते हैं। ऊगोनियम हमने इसको बोला, तो इसको हमने एंथ्रिडियम बोला। तो जिसमें एंथ्रिडिया और ऊगोनिया बनते हैं, प्रॉपर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो जाहिर है अगर ये प्रॉपर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो ये हमेशा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट जनरली लोअर फंजाई में ही होगा। हायर फंजाई में इस तरह के प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स कम ही दिखाई पड़ते हैं या नहीं के बराबर दिखते हैं, तो ये लोअर फंजाई में ही गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा। तो ये गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी हाइफा में जिसमें कि मेल बन रहा है उसमें फीमेल भी बने। कभी कभी क्या होता है, एक हाइफा मेल स्ट्रक्चर को ही बनाता है, दूसरा हाइफा फीमेल स्ट्रक्चर को बनाता है। तो ऐसी स्पीसीज जिनको हम कहते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक ही हाइफा में दोनों बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है, होमोथेलिक या मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब है एक ही फिलामेंट ने बनाया मेल भी और फीमेल भी। और कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें एक फिलामेंट बना रहा है मेल स्ट्रक्चर, दूसरा फिलामेंट बना रहा है फीमेल स्ट्रक्चर, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं डायोशियस या हेटरोथेलिक। उनमें वो दो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। और क्या होता है कि ये जो मेल स्ट्रक्चर है, फीमेल स्ट्रक्चर है, इट विल डेवलप अ ट्राइकोगाइन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ट्राइकोगाइन। ये रिसेप्टिव स्ट्रक्चर है, रिसेप्टिव ऑर्गन है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइकोगाइन इट रिसीव्स द मेल न्यूक्लियस और ये मेल न्यूक्लियस माइग्रेट करके इसके थ्रू यहाँ पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक ट्राइकोगाइन के थ्रू मेल स्ट्रक्चर एंथ्रिडियम से ऊगोनियम के अंदर आता है, तो इस मेथड को हम कहते हैं गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, जो कि गैमिटेंजियल कॉपुलेशन से बिल्कुल फर्क है। तो ये इस तरह का रिप्रोडक्शन यूजुअली लोअर फंजाई में बहुत जगह देखने को मिलता है। इसके बाद चौथा मेथड है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, एज आई टोल्ड यू कि हायर फंजाई में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड बहुत कम होते हैं, उनमें प्रॉपर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं होते। उस केस में क्या होता है कि स्पर्मेशिया डेवलप होते हैं, कुछ हाइफी बनाते हैं स्पर्मेशिया। क्या स्पर्मेशिया क्या है, एक तरह के स्पोर्स हैं जो कि मेल की तरह से एक्ट करते हैं। एक हाइफा ये ग्रो कर रहा है और एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटाइजेशन इट गिव्स राइज टू एरियल ब्रांच, और इस एरियल ब्रांच के ऊपर बहुत छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर्स एक के बाद एक डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनका रोल क्या है स्पर्मेशिया का, दे एक्ट एज मेल स्ट्रक्चर्स
और ये फीमेल स्ट्रक्चर में फीमेल स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये ऊगोनियम डेवलप हुआ और ये स्पर्मेशिया इस तक पहुंच जाते हैं बाय एयर करेंट्स, यहां तक पहुंच जाते हैं। तो स्पर्मेशिया के थ्रू जब स्पर्मेशिया मेल स्ट्रक्चर की तरह से बिहेव करेंगे और वो फीमेल हाइफा के पास पहुंच जाते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है, दो डिफरेंट न्यूक्लियाई प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। ये कुछ हायर फंजाई में बहुत कॉमन है। तो इसके अलावा लास्ट जो मेथड है सोमेटोगेमी, नंबर 5 है सोमेटोगेमी। ये उन फंजाई में है जिनमें कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल नहीं बनते, न मेल स्ट्रक्चर होता है न फीमेल स्ट्रक्चर होता है, दो हाइफी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं। ये एक हाइफा है, ये दूसरा हाइफा है, ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे और ये मेल की तरह से एक्ट करता है, ये फीमेल की तरह से एक्ट करता है। और जब ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इनके जो न्यूक्लियाई हैं, ये न्यूक्लियाई हैं, इसमें अगर सोमेटोगेमी में दो हाइफी हैं, एक मेल की तरह से एक्ट कर रहा है, एक फीमेल की तरह से एक्ट कर रहा है, तो मेल और फीमेल हाइफी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, नो सेक्स ऑर्गन्स, न मेल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है न फीमेल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उस केस में सोमेटोगेमी, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये सोमेटिक हाइफी जो हैं यही आपस में एक दूसरे के साथ के कॉन्टेक्ट में आके इनका न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाता है, एक का न्यूक्लियस दूसरे में चला गया। अगर इसमें एक में रेड से मैंने दिखाया है, ये रेड और ये ब्लैक कलर का, तो होता क्या है जब ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए तो ये रेड कलर वाला जो न्यूक्लियस है ये इनके वॉल बीच में जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी और ये ब्लैक और रेड वाले हाइफी जो हैं ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आके डाइकैरियोटाइजेशन, दो तरह के न्यूक्लियाई इसमें आ गए और ये दो तरह के न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई इसमें होके ये फाइनली क्या होता है कि हर सेगमेंट में, इसके हर सेगमेंट में दो तरह के न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके यहाँ दूसरा पार्ट इसका यहाँ आ जाएगा, इसका भी दूसरा पार्ट यहाँ आ जाएगा और पूरा का पूरा जो हाइफा है उसमें दो तरह के डाइकैरियोटिक कंडीशन हो गई, टू न्यूक्लियाई फ्रॉम टू डिफरेंट हाइफी। तो ये आइडिया क्या है कि डाइकैरियोटाइजेशन, दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई कैसे आपस में आ गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है कि ये न्यूक्लियाई इमीडिएटली जहाँ सोमेटोगेमी होती है वहाँ ये दो न्यूक्लियाई आपस में एकदम से फ्यूज नहीं करते। तो हायर फंजाई का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आफ्टर दिस सोमेटोगेमी द कैरियोगेमी इज डिलेड, इनका फ्यूजन जो होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद होता है। तो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर फंजाई। तो ये 5 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने इसमें देखा और मेजॉरिटी हमने नक्शल में ये बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन, 5 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हायर फंजाई में सोमेटोगेमी या स्पर्मेटाइजेशन से रिप्रोडक्शन होता है।